अब ये गन्ना ले आया हूँ तोड़ के, अब इसको रहा हूँ छील छील लेता हूँ। और ऊपर वाले भाग में ना इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। गन्ना खाओ जिसको पीलिया हो जाता ना, उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं पीलिया को अंग्रेजी में, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो आप इसको गन्ना खाओगे ना, कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, खून की कमी भी पूरी होगी। तो ये अब हम खाएंगे गन्ना, देखते हैं मीठा है कि नहीं। तो अभी एक छोटा टुकड़ा स्टार्ट करते हैं। फिर गन्ने की वैरायटी है, कौन सी वैरायटी पता नहीं, कौन सी, कई तरह का गन्ना पाया जाता है, कुछ तो अगली प्रजाति होती है जल्दी तैयार होने वाली, कुछ होती है जो लेट से तैयार होती है, कुछ प्रजातियां जो होती हैं जो मतलब मध्यम बीच वाली होती है, किसी में शुगर ज़्यादा पड़ता है, किसी में थोड़ा कम पड़ता है, उससे भी कम पड़ता है, इस तरह से प्रजातियाँ होती हैं। और गन्ना तो चीनी मिल अभी स्टार्ट होने वाली है, तो जाना स्टार्ट हो जाएगा ना। एक पिछला वीडियो बनाया था इसी खेत में, तो उस समय इसमें थी मेंथा की खेती, मेंथा बोले तो पेपरमिंट, उसकी खेती करी थी। और इसमें बाग भी है आम का, और डबल खेती ले रहे हैं हम। कुछ केला भी स्टार्ट किया है इसमें, थोड़ा सा लगाया 300 पौधे केले के, और साथ में धान भी की खेती ले रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं धान, ये है धान, और अच्छे धान है बढ़िया से, और बाग में ही है, आम के बाग में ही धान है। तो जहाँ जहाँ पौधे हैं वहाँ पे धान थोड़ा कम है, मतलब कमज़ोर है, या वहाँ पे नहीं भी लगाया है, और बाकी कुछ खेत में धान नहीं लगाया था उसमें, तो अभी पौधे लगा दिए केला के। तो केले में अभी तो पानी लगाना स्टार्ट हुआ है, पानी लग रहा है, दिखाते हैं आप लोगों को पानी जो लग रहा है। ये पानी हो गया चालू, और ये पानी आ रहा है धान में लगाया, धान से होते हुए इधर केले में आ रहा है, और ये केले में पानी लग रहा है। देखो ये लाइन लगी हुई है, 6x6 का है दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 6x6 है। और ये जो इसमें पौधों में पत्तों में देख रहे हैं आप लोग, इस तरह का लाल टाइप का दिख रहा है, ये इसकी वैरायटी है। और जिस पौधे में इस तरह का दिखेगा मतलब वो ओरिजिनल मानी जाती है प्रजाति। कौन सी प्रजाति है ये? ये G9 केला है, उसकी ये प्रजाति है, इसकी पहचान है। अगर इस तरह के वाइट वाइट अगर पिछले पृष्ठ पे, लेकिन सामने इसमें रेड कलर का दिखता है, तो रेड क्या कत्थई टाइप का, और लाइट हमें लगता चली गई है, इसलिए पानी हो गया बंद। और किसानी का काम वैसे भी, मैंने लगाए हैं 300 पौधे केले के, G9 प्रजाति आप लोगों ने देखी कि G9 किस तरह की प्रजाति होती है, और ग्रे कलर का इनका पत्ता होता है इस टाइप का, आप लोगों को दिखाया। मैंने तो बहुत कम पौधे लगाए, 300 पौधे लगाए हमारे अंकल जी ने लगाए हैं, दो एकड़ में लगभग हमें लगता है 2000 पौधे लगे हैं, 1800 शायद। तो देखो इतना बड़ा भरा खेत है, पानी तो लग ही चुका है, ये सारे पौधे हैं, और केला G9 ही लगाया है अंकल जी ने भी। इस ये देखो बारी भरकम खेत दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक, और शायद क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी, पीछे दूर दिख रहा है वो गन्ने का खेत है, हमारे गन्ना भी अच्छा होता है। बाकी खेती अभी केले की स्टार्ट किया है जल्दी जल्दी, ये सारा केला है, अभी छोटा केला है, और पानी भरा हुआ है खेत में। गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ, और चीनी मिल भी काफ़ी हैं हमारे ज़िले में, लगभग 4 चीनी मिल है हमारे पूरे ज़िले में, और काफ़ी उत्पादन होता है। और उसके बाद छोटी छोटी क्रेशर हैं जो गुड़ बनाती हैं, सीरा भी बनाती तैयार करती हैं, तो वो भी हज़ारों टन गन्ने का कंजप्शन करती हैं। बाकी तो चीनी मिल है ही, चीनी मिल टोकन देती है, उसके बाद किसान गन्ने को मिलों में लेकर के जाता है, और इस तरह से होता है। और बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति के गन्ने हमारे यहाँ बोए जाते हैं। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चाहें तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए।